यार मैं सैड हूँ, पूछो क्यों। हाय, पहले तो यार मैंने रात में प्लान बना के सोई थी ना कि सुबह 6 बजे निकलूंगी, सोई भी क्या थी, तो 5:30 बजे मैंने कहा थोड़ा सा लेट लेती हूँ, 5:30 बजे ऐसी सोई, अब 10 बजे आँख खुली है। घंटा सरप्राइज दे पाई मैं सुबह मम्मी को 6 बजे, इसलिए मेरा मुंह बना हुआ है। बट खैर कोई बात नहीं, रेडी हो गई हूँ ऐसे ही और फटाफट निकल लेती हूँ जल्दी से। अब आपसे सीधा घर ही मिलूंगी, कैब वैब में तो क्या ही फोन चलाऊंगी, रास्ते में भीड़ भीड़ होती है आपको तो पता ही है। घर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी ना, तब आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली बुलंदशहर में आ चुकी हूँ, बस अब घर जाने की देरी है। तो फाइनली घर आ चुकी हूँ, लेकिन अपने घर नहीं आई हूँ, मैं अपनी आंटी के घर आई हूँ। मम्मी ताला लगा के गई हुई थी, मैंने सरप्राइज देने को सोचा, मम्मी ने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया यार, इसलिए मैं पैदल पैदल चल के यहाँ पे आ गई। तो मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बनना है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनना है, कौन बना रहा है। आंटी बना रही है वैसे तो, लेकिन कुछ टेस्टी सा बनना है। ये मेरी मम्मी, मम्मी बोलो हाय। हाय आंटी, बोलो हाय। आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा। हाय ये देखिए मेरे लिए बन रहा है सूजी का चीला और चाय। मम्मी ऐसी खड़ी है, देखो मम्मी कुछ नहीं बना रही, आंटी बना रही है, देखो आंटी कितनी अच्छी है। सो फाइनली मेरा सूजी का चीला आ चुका है विद फुल ऑफ वेजीज और ये सॉल्ट है। खाओगी मम्मी? सूजी का चीला हजम कर लिया है। अब पता है क्या बना है? ब्रेड पिज्जा, दिखाती हूँ आपको कैसा है वो। एक बन रहा है, इसमें अभी सूजी डलेगी, एक बन चुका है ये रहा। पे आते तो मेरा मुंह चलने लगता है। मैं अभी खा रही हूँ मखाने, जो मेरे वन ऑफ माय फेवरेट ड्राई फ्रूट, भुने हुए देसी घी में नमक के साथ। मम्मी और आंटी मार्केट तक पता नहीं शायद कुछ सामान लेने के लिए गई है। मैंने सोचा आप लोग चले जाओ, मेरी हिम्मत नहीं जाने की, मैं एक नैप ले लेती हूँ। तो मैं लाइट बंद करने वाली हूँ और अब फिर लेटने वाली हूँ, फिर मैं अपने घर जाऊँगी आंटी के घर से, फिर देखती हूँ क्या कर सकती हूँ नया। अभी तो मेरी शक्ल के तोते उड़े हुए यार, मैं नहा के नहीं आई थी, बस मैं ऐसी भाग के आ ही गई बस नोएडा से। चलो फिर ठीक है, चलो एक नैप ले ली जाए, फिर आपसे ब्रेक के बाद मिलती हूँ मैं। चलो तो भैया अपने घर चल ले रहे हैं हम आंटी के यहाँ से, अब जा रहे हैं अपने घर, नहाएंगे धोएंगे थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाय बाय आंटी। फाइनली अपने रूम में आ चुकी हूँ, अपने रूम में आके मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज देखने को मिली। मम्मी ने बताया मेरे लिए क्रीम मंगा रखी है, ये वाली देखो यार, ये बॉडी क्रीम है विंटर, यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे रूम में एज यूजुअल जैसे हमेशा पहले कुछ ना कुछ रखा रहता था खाने के लिए, तो देखो बिस्कुट है, ये वेफर्स रखे हुए हैं खाने के लिए। यार घर की तो बात ही अलग है यार, अपने मजा आ जाता है मुझे जब भी मैं घर आ जाती हूँ। मम्मी ने एक टूथपेस्ट भी मंगा रखा है मेरे लिए और मम्मी बोल रही है सब धो धाल लेंगे, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ। लाइट भी आ गई यार, मम्मी ने मेरे लिए ढेर सारा सामान मंगाया। भैया से देखो मेरी लिखो मम्मी ने क्या दिया, ये गोले की बर्फी भी बोली खाना चाहती तो खा ले, और भी मेरा टबी ना एकदम फुल फुल भरा हुआ है, तो भी मुझे कुछ खाना नहीं है, बाकी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मम्मी भी मेरे लिए दूध ला रही है, और यार पता है अपने कम्बल में इतना सुकून नहीं है जितना इस वाइट वाली रजाई में। पता है मुझे ना आज भी व्हाइट और ही रजाई पसंद है मुझे, और कंबल वम्बल जो नए तरीके के चल गए ना उसमें मजा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। और मम्मी ने तो यार अपने बेड पे ना गरम बेडशीट भी बिछा रखी है यार, ये गद्दा इतना सॉफ्ट है, इतना नरम है ना, मुझे बड़ा मजा आ जाता है इस पे सो के। अपना घर का गद्दा तो यार बड़ा बकवास सा है, वो मेरा घर ही नहीं है एक्चुअली, है तो किराए का ही घर। खैर जैसा भी है दिन ही काट रही हूँ बस मैं वहां पे, सुकून तो असली यहीं पे यार, घर में तो जन्नत है जन्नत, मजा आ गया यार। ठीक है तो यार मम्मी दूध लाती है, अभी मैं दूध पीती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी कहीं ना कहीं तो चली जाऊंगी घूमने। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं सोच रही थी नहाने का लेकिन मैं नहाई नहीं, मैं अभी आंटी को खाना देख के आ रही हूँ। मम्मी ने बनाया, उनकी तबीयत खराब हो रही है तो इसलिए खाना नहीं बना रही, इसलिए मैं उन्हें पैदल पैदल जाके खाना देके आ रही हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए बना रहे हैं, आके खाऊंगी फिर मैं। चलो तो चलते हैं फिर, गेट लगाओगी? मम्मी को खाना देके घर वापस आ चुकी हूँ मैं, और मैंने भी खाना खा लिया। मम्मी ने बनाई थी पालक की सब्जी और रोटी, अभी मम्मी मेरी सब्जी लेने के लिए गई क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली है, मैं उसके साथ जाऊंगी। यार आलस आ जाता है घर में आते तो, महंगे कर रखे हैं ना सेब, इतने महंगे कर रखे हैं, खाने का भी मन करेगा ना आदमी का तो भी नहीं खा पाएगा। तो मैंने मम्मी ने सब्जी ले ली है, मम्मी के हाथ में भी एक थैला है, मेरे हाथ में भी एक थैला है, तो फिर ठीक है हम चल रहे हैं अब घर की तरफ।
सब्जी वाले अंकल ने मम्मी को बहुत सारी एक्स्ट्रा सब्जी भी दे दी है, जबरदस्ती क्या ही कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरीके से दो दिन में मोटा करके भेजेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों रुक गई है? ओह गॉड, मम्मी लोग भी ना तो रुकती रहती है किसी ना किसी चीज के लिए। चलो यार, दो चार दिन में हो जाता है क्या? 30 लगा रहे हो। तो फाइनली सब्जी लेके हम वापस अपने घर पे आ चुके हैं और मेरा नेट खत्म हो चुका है पूरा 100%। तो मम्मी से मुझे अब लग रहा है हॉटस्पॉट मांगना पड़ेगा। ओ यार, मुझे ना पता है सर्दी लग गई, मुझे ना अजीब अजीब सा हो रहा है पेट। अब तो मतलब पहले से ठीक है, बट अभी हो गया था थोड़ा सा अजीब सा। आज पता है आपको मैं बहुत खुश हूँ, क्यों पूछो? आज मेरा ना शो आने वाला है 11 बजे, जो रुक गया था ना पिछली बार मैच की वजह से, आज वो ऑन एयर होने वाला है। मतलब मैं पहली बार ऑन एयर होने वाली हूँ। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर करूंगी अपने इस वाले वीडियो में, आप जाकर मुझे देख सकते हैं। और फिर मुझे बताना मैं कौन हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पहचान नहीं पाओगे मैं कौन सी वाली हूँ। मुझे बताना नहीं, वैसे पहचान जाओगे, आपने वो वाले शूट वाला वीडियो देखा था तो आप लोग पहचान जाओगे मुझे आराम से। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और 11 बजे मेरा शो आया था। यार मैं सनसनी पे आई थी, मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऑन एयर हुई हूँ यार, पहली बार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पता है मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा और मैं अपना अलार्म सेट करके सो गई थी। 10 बजे करीब मैं सो गई थी और मैंने 10:53 का अलार्म लगाया था और फिर मैं 10:53 पे उठी। जल्दी जल्दी मैंने सब दोस्तों को कॉल किया कि भाई 11 बजे मैं आने वाली हूँ टीवी पे, और फैमिली लोगों को कॉल किया कि मैं आने वाली हूँ टीवी पे, आप मुझे देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब का लिंक वगैरह भी भेज दिया था। तो यार मुझे ना देख कितना अच्छा लगा था, पता है मैं इतनी सुंदर लग रही थी और टीवी पे इतनी सुंदर लग रही थी। हाय, पता है सर और सर की जो मैम मतलब वाइफ है मैम मेरी, उन दोनों ने मेरी बहुत तारीफ करी। उन्होंने बोला सुशील मैम बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत सुंदर लग रही थी। वो तो पहचान ही नहीं पाई। मैंने कहा मैम आप क्या नहीं पहचान पाई, मैं खुद को नहीं पहचान पाई थी कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम लोग उठ गए हैं, मैं और मम्मी मतलब उठ ही गए थे। तो मम्मी से मैंने बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो फिर मम्मी कह रही थी चलो कुछ खाने के लिए लाती हूँ और चाय बनाती हूँ अदरक वाली। और चाय तो यू नो चाय तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो आराम से चाय पियेंगे। वाह 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 वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा। आप लोगों से भी मैं वो लिंक शेयर करूंगी जब वो यूट्यूब पर डल जाएगा। बाकी सर बोल रहे थे मैं आपको मतलब क्लिप दे दूंगा उसकी प्रॉपर, क्योंकि सर के पास तो होगी। बाकी जब भी वो यूट्यूब पर डलेगा तो फिर उसका जो लिंक होगा ना वो मैं अपनी उसके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, अपनी व्लॉग के साथ आपको नीचे पिन करके ज़रूर शेयर करूंगी। तो डोंट वरी गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे मिस कर दिया सनसनी पे देखना तो कोई बात नहीं, आप मुझे देख सकते हैं बाद में। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सब कुछ डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, मस्त आराम से देखना मुझे, ठीक है? सही। तो मम्मी मेरा व्लॉग देख रही है और मैं चाय पी रही हूँ। देखो मम्मी मेरा व्लॉग देख रही है। मम्मी ने पता है एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करी कि मैं कैसी लग रही थी। मैंने जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाई है कि मम्मी मैं अच्छी लग रही थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी। लोग मुझे फोन कर करके मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी एक बार भी खुद से तारीफ नहीं करी कि बेटा तू बहुत प्यारी लग रही थी, तू बहुत सुंदर लग रही थी, परी जैसी, मेरी डॉल जैसी बेटी, और तेरी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं, बताओ। लेकिन मुझे मजा आ गया यार चाय पी के, वो भी भर के आई है और चाय, और आप तो जानते हो चाय मेरी कितनी फेवरेट है। तो आपको पता है मम्मी मेरे ना वीडियो शेयर करती हैं मैसेंजर पे, तो मम्मी को बहुत सारे कमेंट आए हैं बहुत सारे लोगों के। यार मुझे पढ़ के शर्म आ गई, शिट। मम्मी मेरी पढ़ पढ़ के सुना रही है वो जो उन्होंने लिखा हुआ है। ओ सृष्टि जानू, आई मिस यू, आप शादी कब करिए, मुझसे दोस्ती कर लो। यार ये सब सुन के मैं शॉक हो गई एकदम, वाओ मैं इतनी अच्छी हूँ। यार थोड़े से मतलब ऐसे नहीं, थोड़े अच्छे से कमेंट आप मेरे वीडियो पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। मम्मी को मैसेंजर पे क्यों करते हो यार, मेरी वीडियो पे कर दिया करो नीचे कमेंट में कि आप अच्छी लग रही हो, ये वो जो भी लिखना है, लेकिन थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं वो सृष्टि जानू आई मिस यू या ये वो, थोड़ा सा अच्छा है ना, थोड़ा यार सब देखते हैं अच्छा नहीं लगेगा ना इसलिए।
तो यार आज का दिन ऐसे निकल गया मेरा, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, खाते पीते हुए, अच्छा अच्छा और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मुझे अब सोने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है यार। अब मुझे ऑफ मिला है 2 दिन का, तो फिर यार कम से कम अच्छी तरीके से अपनी नींद तो पूरी कर लूँ मैं, मतलब भर भर के नींद पूरी कर लेती हूँ, ताकि जब मैं हफ्ते भर के काम पे जाऊं तो मुझ में वो जोश और एनर्जी रहे काम करने का भरपूर, कि मुझे नींद की कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अगली व्लॉग में आपसे, कुछ नए किस्सों के साथ, कुछ नए हिस्सों के साथ। तो ठीक है फिर, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज गाइस। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज 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 मेरी वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर दो प्लीज, मतलब फैला दो यार, फैला दो। तो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मम्मी से भी बोल देती हूँ, आपको गुड नाइट बोल देती हूँ फिर तो मेरे को अकेले ही बोलना पड़ेगा हमेशा। मम्मी गुड नाइट बोलो मेरे दोस्तों को, बोलो गुड नाइट। तो मम्मी ने भी गुड नाइट बोल दिया, मैं भी गुड नाइट बोल रही हूँ, बाय बाय।